दादी माँ आप घर जाएगी, काफी खुश नजर आ रहे। दादी माँ को आगे में बैठा देता सुनने जा, मुझे नहीं सुनना। अभी माल पियेंगे बोले तो ये डांस करेगा। माल पियेंगे हम तो माल पियेंगे, वाह 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 क्या बात है। सही गाइस सभी को गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। तो आज मंडे है, तो आज दादी माँ जो घर जा रहा है तो उन्हें पहुँचाने के लिए थोड़ा बहुत हल्की सी रेडी हो चुका सुबह सुबह। अभी का अगर टाइम देखा जाए तो 6 बज रहा है, तो हम लोग 7 बजे निकलेंगे। तो अभी 1 घंटे के भीतर जो है थोड़ा बहुत फोटो शूटिंग भी करना है, एंड एक टी शर्ट सिलाने के लिए दिया था दादी माँ के लिए, तो वो भी लेने जाना मार्केट से। तो लेट्स सी। तो आज हमारे दादी माँ पूरा सुबह सुबह जाग गया था। ये रहा हमारे दादी माँ जी, इस तरह इच्छी जगह होने पर बहुत दिन हो गया, 10 से 15 दिन हो गए। मन हर बोलो अच्छा 15 दिन ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए लोग आज आखिरी दिन गप्पे सप्पे लगा रहे। यार अभी मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट जाऊँ, परंतु देखिए बारिश जीना हराम कर दिया है भाई। और ग्रामा का एक टी शर्ट सिलाने के लिए दिया था पिताजी, तो उसको लेने जाना। एंड यार मन तो कह रहा कि दादी माँ को हमेशा के लिए यहाँ पे रखे, परंतु मेहमानों को तो एक दिन जाना ही पड़ता है। उनका सब खानदान, उनके जो बेटे पोते पोते ये लोग सब कुछ जो लोग है, अपना खुद का बेटा का वहाँ पे है रत्नपुर पे। हम लोग तो बेटी का नाती है और यहाँ पे बस घूमने के लिए आया, 6 से 7 साल के बाद आया। तो खैर मैंने तो मेरा पिताजी का तरफ से मेरा दादा और दादी माँ को देखा नहीं, और मेरा पिता मम्मी का तरफ से मेरी एकमात्र एक ग्रामा को ही देख पा रहा हूँ खूब जी भर के। एंड दादाजी को भी जो है देख ही नहीं पाया, मैं जब मैं दूध पीने वाला छोटा सा बच्चा था तब भी गुजर गया था वो। खैर अभी हम लोग उन्हें पहुँचाने जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो अब जो है जाने का पूरा फिक्स हो चुका है, मैंने अभी कमलन जाके दादा मामा जी को भी मतलब बोल दिया कि अभी आना है, अभी जाएगा हम लोग। तो इससे पहले हम लोग दादी माँ से थोड़ा बहुत आशीर्वाद ले लेते हैं कि रोज आना जाना नहीं होता है, और इस दीदी के बाद मैं भी ले लूँगा आशीर्वाद। तो अभी हम लोगों ने मेमोरीज के लिए फोटो शूटिंग भी कर लिया दादी माँ के साथ। तो अभी फोटो शूटिंग करने में अभी पूरा बिजी है लोग। दादी माँ आप घर जाएगी, काफी खुश नजर आ रहे। चलो दादी माँ को आगे में बैठा देता सुनने जा, मुझे नहीं सुनना। ना जी डर भाई फिर नहीं बुझूंगा मैं। तो अब हम जाएंगे रत्नपुर, तो आज ही वापस आ जाएंगे। तो गाइस काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग शायद 1.5 घंटे के बाद हम अभी पहुंच चुके हैं खरसन, लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के बाद अपना डेस्टिनेशन। और यहाँ पे देखिए सिचुएशन इस तरह से बन चुका है गाड़ी का, आते समय इतना उल्टी करना पड़ा मुझे, पता नहीं मेरा ख्याल से जो है सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाया था, और ऊपर से कुछ खाने का चीज़ मतलब कुछ चटपटा वगैरह भी नहीं लाया था, नमक नमकीन कुछ भी नहीं लाया था, तो ट्रेवल ही कर नहीं पा रहा मैं, पता नहीं जाते समय कैसे जाऊँगा। पूरा एकदम बहुत थकान महसूस हो रहा है, पूरा गंदा कर दिया, धोना पड़ेगा ये सब। लम्बी ले दिया अबे होने हर समय ऐसे मुझे नहीं दी। तो गाइस क्या हम खर समय, लेकिन काफी मतलब थकान महसूस हो रहा है यार। खरसन का नजारा ये रहा, ये लोग खरसन में जो ज्यादातर तो मेजोरिटी जो है क्रिश्चियनिटी है, तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का जेजस का मूर्ति बना के रखा है। यहाँ का नजारा देखिए, अगर सीधा आप लोग आगे जाओगे तो मियाओ की ओर
और दादी माँ जो है पुराने घर में बैठे हुए है। फाइनली रिच दादी माँ घर का पहुंच गया, पहुंच गया हम लोग। तो दोपहर का लंच करके हम लोग बाद में घर की ओर रवाना हो जाएंगे। पता नहीं जाते समय कैसे जाऊं, उसी का चिंता लग गया। तो अभी घूमते घूमते मामा जी का घर पे घूमने आया और इसको देखिए मेरा भतीजा को अभी माल पियेंगे बोले थे, ये डांस करेगा। माल पियेंगे हम तो माल पियेंगे, वाह 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 क्या बात है। यहाँ पे बहन जो कि ट्रेडिशनल वैसे फिनोन खादी बोलते ना, हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस वही बना रही। तो अब हम निकलेंगे, अपना वक्त आ चुका है। दादी माँ घर पे रहेगा अभी, ठगवा दे दे। आगे मैं बैठ के जाऊंगा क्योंकि आते समय उल्टी होता है। फाइनली रिच एट होम, घर पहुंच चुके। पिताजी जो है बहुत सारे फूल, ऐसे भी घर पे इतना सारे पौधा है फिर भी फूल का पौधा लाया, कुछ सब्जियाँ वगैरह लेके आया तेंगे पानी से। अब थोड़ा फ्रेश अप होने के बाद कमला की ओर निकलेंगे, वहाँ पे पूजा हो रहा है तो वहाँ का नज़ारा थोड़ा देखेंगे। तो अब जो है गाड़ी ट्रेवल करने के बाद जो है काफ़ी मतलब माता जो है बारिश सब महसूस हो रहा है। अभी जो है कुछ पकौड़ियाँ वगैरह दीदी ने ला दिया था तो वही खा रहे अभी। ये पापा लोग जो है कमलांग जाएगा पूजा के लिए, वहाँ पे साना लोग इंतजार कर रहे। देखिए वहाँ पे फोन बाजार हजार हजार। मैं जो थोड़ा देर के बाद और नहा के जाऊंगा। तो आप जो वीडियो को थोड़ा मतलब अपलोड करना है, मुझे अपलोड तो हो चुका है ऐसे, मुझे जो वाई स्टूडियो खोल के लिस्ट से पब्लिश करना था तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत नेट का संख्या चाहिए था, घर पे नहीं मिलता। तो अभी यहाँ से सीधा अपलोड करने के बाद पब्लिश करने के बाद मैं कमला की ओर निकल जाऊँगा। अब जो है वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं बाया का दुकान पे पहुँच चुका। इन्हें जो है जाना या नहीं पूछा, इन्हें जाएगा जाऊँगा यार। क्या कर रहे मम्मी लोग? अच्छा दुकान का बंद करने में लगा हुआ है, थोड़ा बिजी है, लेकिन अभी कुछ ही देर के बाद ये जाएगा। लेकिन मेनू लेट होगा, मुझे जाना होगा, ठीक है ना? आप आ जाना। तो अभी हम वहाँ पे निकलेंगे सीधा क्योंकि वहाँ पे कुछ वीडियो शूट भी करना है मुझे, तो आ जाना बस। आप पहुँच चुका कमलांग में, यहाँ का व्यू थोड़ा देख लीजिए आप लोग। वाह शाम का वक्त हो चुका है एंड बहन लोग भी कुछ ये लोग भी जा रहे हैं मंदिर में। ट्रेडिशनल कुछ मेघला लगाए ये लोग, लेकिन हम तो जैसे पहन ऐसा। यार आगे में जो है आप लोगों का नजारा, तो इस डेस्टिनेशन पे आज हम आए। यहाँ पे ऑलरेडी संजू जी एंड यहाँ पे मनोज ब्रदर जी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे काफी मतलब ये लोग हेल्प किया ये पंडाल सब कुछ बनाने में। तो थोड़ी देर के बाद जो प्रोग्राम शुरुआत होगा। ओके ओके थैंक यू फॉर हेल्प, हेल्प लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाओ बलियाम नमचम जी। तो ये देखिए एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे बनाया गया मूर्ति, यह लगभग 24 फीट तक ऊंचा है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत नजारा देख रहे हैं, मेरा घर में हम लोग देख सकते हैं, गाना या बाजा जा रहा है, सब कुछ प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पे पंडाल कुछ इस तरह से सजाया गया, देखिए यहाँ का नजारा। कल बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है বুদ্ধিজম হয়। তাহলে আজ মার্গে বুদ্ধিজম সে দুঃখ নিরব কামিনী ভত্তান দুঃখ নিরব কামিনী প্রতিভা।
तो गाइस कल जो है मैं बनाबिहार से जो है रात 9 बज के आ गया था, तो सभी लोग जो है सो गया था घर पे, तो जिसके चलते मैं घर पे आके वीडियो को एंड कर नहीं पाया। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक एंड करते हैं। होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद किया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके पूछे कैसा लगा, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्द एक और नए वीडियो पर। तो आज फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ मनोज भाई का रिसॉर्ट पे, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं।